आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा क्या है, उसके कौन कौन से सलाइन फीचर्स हैं, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइटा जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। टेरिडोफाइटा शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है टेरॉन और दूसरा है फाइटॉन। टेरॉन का मतलब होता है फीडर या पंख और फाइटॉन का मतलब होता है प्लांट या पादप। अर्थात कहने का मतलब यह है कि टेरिडोफाइटा के अंतर्गत ऐसे पादपों को शामिल किया गया है जिनकी पत्तियां पंख के समान होती है। जिनकी पत्तियां किसके समान होती है, पंख के समान होती है। ऐसे पादपों को टेरिडोफाइटा के अंतर्गत शामिल किया गया है। यहां पर एक बात और ध्यान में रखना है कि टेरिडो शब्द का अर्थ फर्म भी होता है, ठीक है, फर्म भी होता है। जनरली टेरिडोफाइटा के जितने मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को फर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, इनको फर्म कहा जाता है। देखिए टेरिडोफाइटा को वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स का मतलब क्या है कि ऐसे पादप जिनमें वेस्कुलर टिश्यू पाए। वेस्कुलर का तो मतलब सिंपल सी बात है कि जिनमें वेस्कुलर टिश्यू पाया जाएगा, वेस्कुलर संवहनी ऊतक पाया जाएगा, जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे, तो ये वेस्कुलर कहलाते हैं। और क्रिप्टोगेम्स का मतलब है जिनमें सीट फॉर्मेशन नहीं होता, बीज का निर्माण नहीं होता, ऐसे पादपों को ही वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। अर्थात टेरिडोफाइटा कैसे को किस नाम से और जाना जाता है, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से जाना जाता है। इट इज द फर्स्ट प्लांट ग्रुप, ठीक है, ये सबसे पहला पादप समूह है जिनमें स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेंट होती है। अब आपको मालूम है कि किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में दो स्टेज होती है, ठीक है, स्पोरोफिटिक स्टेज और गैमेटोफिटिक स्टेज। स्पोरोफिटिक स्टेज के द्वारा स्पोर का फॉर्मेशन होता है जबकि गैमेटोफिटिक स्टेज के द्वारा गैमेट का फॉर्मेशन किया जाता है। अब तक हमने जितने भी ग्रुप्स का अध्ययन किया है वो सारे के सारे कैसे थे, गैमेटोफिटिक थे। और उनमें स्पोरोफिटिक प्रावस्था जो है आंशिक रूप से या पूर्णतः गैमेटोफिटिक प्रावस्था पर निर्भर करती थी। लेकिन टेरिडोफाइटा ऐसा पहला पादप समूह है जिसमें स्पोरोफाइटिक फेज जो है वो कैसी होती है, प्रभावी होती है, डोमिनेंट होती है। टेरिडोफाइटा के मेंबर्स को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। पादप जगत के सरीसृप की संख्या इनको दी गई है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम इनको कहा जाता है। चलिए एक और बात को थोड़ा सा समझ ले, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा कॉल्ड टेरिडोलॉजी। टेरिडोफाइटा का अध्ययन वनस्पति शास्त्र की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे टेरिडोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा कॉल्ड टेरिडोलॉजी। अब यहां पर एक बात और समझ लीजिए कि टेरिडोफाइटा जो शब्द है वह सबसे पहले हिकल के द्वारा दिया गया है। इसके द्वारा दिया गया, हिकल के द्वारा दिया गया है। फादर ऑफ टेरिडोलॉजी जो है एडवर्ड क्लिकोवस्की को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ टेरिडोलॉजी के जो जनक है वह एडवर्ड क्लिकोवस्की को कहा जाता है। वहीं पर इंडियन टेरिडोलॉजी के जनक, फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी जो है रॉक्सबर्ग को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी किसको कहा जाता है, रॉक्सबर्ग को कहा जाता है, जो कि एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे और कलकत्ता के रॉयल बॉटनिकल गार्डन के हेड थे। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय टेरिडोलॉजी के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। मोर देन 10,000 स्पीसीज आर फाउंड इन ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो है लगभग 10,000 से ज्यादा जातियां जाती। यहां पर एक बात और समझ लीजिए कि हमने यहां पर टेरिडोफाइटा के बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जो जानकारी हो जाना। एक बात और समझ लीजिए कि टेरिडोफाइटा कैसे हैं, सीडलेस प्लांट है, इनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, अर्थात ये कैसे हैं, क्रिप्टोगेम्स हैं। चलिए आगे सामने देखें,
कि इसको अगर हम इतनी सारी जानकारी के बाद इसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको कह सकते हैं। तो देखिए टेडोफाइटा के अंतर्गत उन पादपों को शामिल किया जाता है जो वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स होते हैं तथा जिनके जीवन चक्र में स्पोरोफिटिक स्टेज प्रमुख होती है। तो यहां पर एक बात समझ लीजिए कि टेरिडोफाइटा क्या है। टेरिडोफाइटा वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स का समूह है जिनके जीवन चक्र में, जिनकी लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक स्टेज जो है वो कैसी होती है, प्रमुख होती है। चलिए अब हम इनके वन बाय वन जो है कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं, इसके सलाइन फीचर को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसके कैरेक्टर्स पर आए तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका हैबिटेट, ये कहां पर उगते हैं। देखिए जनरली ये जो है नम तथा छायादार स्थानों पर उगना पसंद करते हैं, अर्थात जो टेरिडोफाइटा के मेंबर्स हैं वो कहां पर उग रहे हैं, नम तथा छायादार स्थानों पर उगते हैं। दूसरा मुख्य कैरेक्टर, इन स्थानों पर उगने वाले इन टेरिडोफाइटा का जो प्लांट बॉडी है वह प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होता है, बीजाणुभित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कैसा होता है इसकी प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक होती है और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडीज जो है रूट स्टेम और लीव्स में बटी हुई होती है। अर्थात स्पोरोफिटिक जो प्लांट बॉडी है उसके तीन भाग होते हैं, जड़ तना तथा पत्तियां, रूट स्टेम और लीव्स। अब थोड़ा सा इन पर भी चर्चा कर ले। देखिए जो इस रूट होती है, इन पादपों की जो रूट होती है जिनमें पाए जाने वाली जो प्राथमिक जड़ है वो अल्पकालिक होती है, कुछ समय बाद ये समाप्त हो जाती है। यहां पर समझने की बात क्या है कि इनकी जो रूट्स होती है वो कैसी होती है, भाई प्राथमिक जड़ के रूप में होती है, लेकिन वो प्राथमिक जड़ कैसी हो जाती है, अल्पकालिक हो जाती है। अल्पकालिक होती है, कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाती है। तब ऐसी अवस्था में इस प्राथमिक जड़ का स्थान, प्राइमरी रूट का स्थान जो है अपस्थानिक जड़े ले लेती है, एडवेंटियस रूट ले लेती है। अर्थात टेरिडोफाइटा के जो मेंबर्स हैं उनमें जड़े कैसी होती है, एडवेंटियस होती है, अपस्थानिक जड़े होती है। चलिए दूसरी बात करें इसमें इनका जो स्टेम होता है, स्टेम दो प्रकार का हो सकता है। अधिकांश प्रजातियों में जो स्टेम है वो कैसा होता है, प्रोस्टेट होता है, भूमि पर लेटा हुआ होता है और अंडरग्राउंड होता है। ध्यान रखिएगा कि अधिकांशतः इसका जो स्टेम है वो कैसा होता है, प्रोस्टेट होता है, लेटा हुआ होता है, और जब ये भूमि के अंदर होता है तो कंद के रूप में होता है, राइजोम के रूप में होता है। इसको क्या कहा जाता है, तब राइजोम कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ पादपों में इसका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है। ठीक है, चलिए दो बातें समझ में आई हमको, इसकी रूट कैसी है, प्राइमरी रूट अल्पकालिक है, जबकि उसके स्थान पर क्या पाई जाती है, एडवेंटियस रूट पाई जाती है, जबकि इसका स्टेम कैसा है, ये प्रोस्टेट हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है, सीधा हो सकता है। चलिए अगर हम बात करें इसकी पत्तियों की, तो ये जो लीव्स होती है यहां पर ये दो प्रकार की पत्तियां इनमें पाई जाती है, कुछ पत्तियां छोटे आकार की होती है जबकि कुछ पत्तियां जो है वो कैसी होती है, बड़े आकार की होती है। छोटे आकार की पत्तियों को हम माइक्रोफिलस कहते हैं, लघुपर्ण कहते हैं। छोटे आकार की जो पत्तियां होती है उनको क्या कहा जाता है, माइक्रोफिलस कहा जाता है, लघुपर्ण कहा जाता है, जबकि जो बड़े आकार की पत्तियां होती है इनको मैक्रोफिलस या दीर्घपर्ण कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि इनके बड़े आकार की जो पत्तियां होती है उनको मैक्रोफिलस या दीर्घपर्ण कहा जाता है। यहां पर एक बात और समझ लीजिए कि ये जो बड़े आकार की पत्तियां होती है इनके लिए एक बहुत अच्छा नाम दिया गया है, फ्रॉन्ट्स। ठीक है, इन पर बड़े आकार की पत्तियों को क्या कहा जाता है, फ्रॉन्ट्स कहा जाता है, फ्रॉन्ट्स। ठीक है, यहां पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहां पर ये जो पत्तियां हैं ये कैसी हैं, आकार में बड़ी है, और जब आकार में बड़ी है तो इनको क्या कहा जा रहा है, फ्रॉन्ट्स कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बात और समझ लीजिए कि लघुपर्ण किसमें पाया जाता है और दीर्घपर्ण किसमें पाया जाता है। देखिए जब माइक्रोफिलस की बात करते हैं, छोटे आकार की पत्तियों की बात करते हैं, तो यह छोटे आकार की पत्तियां सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्वेसीटम जैसे सदस्यों में पाई जाती है। किस किस की बात कर रहे हैं भाई, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम और इक्वेसीटम जैसे सदस्यों में जो है वो माइक्रोफिलस ल्यूफ पाई जाती है। वहीं पर टेरिस, मार्सिलिया, ड्रायोप्टेरस, एलेंटम, इन सदस्यों में, इनकी बात कर रहा हूं मैं, टेरिस, मार्सिलिया, ड्रायोप्टेरस और एडेंटम
में जो है वो बड़े आकार की पत्तियां पाई जाती है, अर्थात मैक्रोफिलस पत्तियां इनमें पाई जाती है। चलिए एक और कैरेक्टर्स पर हम चले। अब चूंकि हमने जान लिया कि ये कैसे हैं, वेस्कुलर प्लांट है, और वेस्कुलर प्लांट होने का मतलब क्या है भाई, सीधी सी बात है वेस्कुलर संवहनी ऊतक इनमें पाए जाते हैं, और संवहनी ऊतक के रूप में क्या कौन होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है। तो अर्थात ये ऐसे पादप है जिनमें सबसे पहले संवहनी ऊतकों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो वेस्कुलर टिश्यू के रूप में क्या पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इनके जो जाइलम होते हैं, जाइलम में वाहिकाएं एब्सेंट होती है, वेसल्स एब्सेंट होते हैं, और जो फ्लोएम होता है उसमें सह कोशिकाएं या कैंपेनियन सेल जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। जाइलम में क्या एब्सेंट है, वाहिकाएं अनुपस्थित है, वेसल्स अनुपस्थित है, जबकि फ्लोएम में क्या है, कैंपेनियन सेल्स एब्सेंट है। हाँ, यहां पर एक चीज और बता दें कि कुछ ऐसे भी पादप पाए जाते हैं जिनमें वेसल्स तो अनुपस्थित होती है लेकिन स्यूडो वेसल्स पाई जाती है, ठीक है, आभासी वेसल्स पाई जाती है, मिथ्या वेसल्स पाई जाती है, और इसका एग्जांपल कौन है भाई, सिलेजिनेला, ठीक है, टेरिडियम और मार्सिलिया, ठीक है, इनके एग्जांपल है जहां पर फॉल्स वेसल्स इनमें पाई जाती है। चलिए आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इनका इन टेरिडोफाइट्स के जो मेंबर्स होते हैं, एंड टेरिडोफाइट्स के मेंबर्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। द्वितीयक वृद्धि क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि द्वितीयक वृद्धि के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कैम्बियम है वह इनमें एब्सेंट होता है, इधर अनुपस्थित होता है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना क्या है कि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, क्यों, क्योंकि इनमें कैम्बियम अनुपस्थित होता है और या कैम्बियम या एधा अनुपस्थित होता है। अब भाई सीधी सी बात है कि द्वितीयक वृद्धि नहीं पाया जाएगा तो ऐसे जो पौधे हैं वो भी नहीं होंगे, ठीक है, कास्टी पौधे नहीं होंगे। अगर कास्टी नहीं होंगे तो सीधी सी बात है कि ये हर्बेसियस होंगे, साथी पौधे के रूप में ये होंगे। हाँ, अधिकांश कैसे उगते हैं, ये साथी पौधे के रूप में पाए जाते हैं, हालांकि इसका कुछ एक अपवाद है ना, आइसेटिस, ठीक है, आइसेटिस जो है इसका अपवाद है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे और बात करें, देखिए ये जो पत्तियां होती हैं उनके पत्तियों की बात कर रहे हैं, देखिए इसकी मुख्य अवस्था कौन सी होती है भाई, स्पोरोफिटिक होती है, और स्पोरोफिटिक होती है तो इसका मतलब ये है कि इस स्पोरोफिटिक के द्वारा किसका फॉर्मेशन किया जाएगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन किया जाएगा, और इस स्पोर्स का फॉर्मेशन कहां पे होगा, इस स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है। और ये स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम कहां पर उपस्थित होती है, ये जो पत्तियां होती है पत्तियों के वेंट्रल साइड पर जो है ये स्पोरेंजिया उपस्थित होती है। ऐसी पत्तियां जिनकी वेंट्रल साइड पर स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया उपस्थित होती है इनको स्पोरोफिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको स्पोरोफिल्स कहा जाता है। जैसे देखिए यहां पर ये पत्तियां बनी है और पत्तियों की जो वेंट्रल साइट है, इस वेंट्रल साइट पर यहां पर छोटे छोटे जो है क्या लगे हुए, स्पोरेंजियम लगे हुए, और इन्हीं स्पोरेंजियम के अंदर किसका फॉर्मेशन होता, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है, और ये विशेष प्रकार के जो बीजाणु है इनको हम मियोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है, मियोस्पोर्स कहा जाता है। ये जो स्पोर्स होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, कुछ प्रजातियों में ये क्या होते हैं, होमोस्पोर्स के रूप में होते हैं, जबकि कुछ प्रजातियों में ये हेट्रोस्पोर्स के रूप में होते हैं। होमोस्पोर्स का मतलब क्या है, संबीजाणु, संबीजाणु का मतलब क्या है कि ऐसे बीजाणु जिनका आकार समान होता है, ऐसे बीजाणुओं को हम क्या कहते हैं, संबीजाणु कहते हैं। और संबीजाणु या होमोस्पोर्स जो है वो लाइकोपोडियम, ड्रायोप्टेरस, राहिनिया जैसे सदस्यों में पाए जाते हैं। यहां पर ध्यान रखना कि होमोस्पोरस स्पोर्स जो है वो किन में पाया जाता है, लाइकोपोडियम, राहिनिया और ड्रायोप्टेरिस जैसे सदस्यों में ये पाए जाते हैं। वहीं पर हेट्रोस्पोर्स की बात कर ले, बीजाणु दो प्रकार के, होमोस्पोर्स और हेट्रोस्पोर्स, तो होमोस्पोर्स की हमने बात किया, अब हेट्रोस्पोर्स की बात करते हैं। तो हेट्रोस्पोर्स का मतलब है ऐसे बीजाणु जो अलग अलग आकार के होते हैं, ठीक है, अगर छोटे आकार के हैं तो इनको माइक्रोस्पोर्स कहा जाता है, जबकि बड़े आकार के
स्पोर्स को मेगा स्पोर्स कहते हैं, छोटे आकार के क्या कहलाते हैं लघु बीजाणु, और कहना चाहिए बड़े आकार के दीर्घ बीजाणु या मेगा स्पोर्स कहलाते हैं। तो ये हेट्रोस्पोर्स जो है वो किन में पाया जाता है, सिलेजिनेला और साल्विनिया में जो है हेट्रोस्पोर्स पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि हेट्रोस्पोर्स किस में पाए, हेट्रोस्पोर्स कितने प्रकार के हो रहे हैं, दो, माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स, और ये किन में पाया जा रहा है, सिलेजिनेला और साल्विनिया के सदस्यों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए साल्विनिया में पाए जाते हैं। अब आगे बात करें, हमने देखा क्या देखा भाई कि स्पोरोफिटिक जो है, स्पोरोफाइट जो है वो प्लांट बॉडी किसका निर्माण करती है, स्पोर्स का निर्माण करती है। अब ये स्पोर्स कहां बन रहे हैं, स्पोरेंजियम में बन रहे हैं। ठीक है, और इन स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, पत्तियों की वेंट्रल सतह पर, और ऐसी पत्तियां क्या कहला रही है, स्पोरोफिलस कहलाती। अब देखिए ये जो स्पोर्स का जो फॉर्मेशन हुआ है, जो स्पोर्स बने हैं, अब ये जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करते हैं, गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, और इन ये दो प्रकार में हो सकते हैं। ठीक है, एंथ्रेडिया और आर्किगोनियम के इसके ऊपर क्या लगेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रेडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनियम। ठीक है, जो कि किसका फॉर्मेशन करेंगे, एंथ्रेडिया जो है वो नरयुग्मक का फॉर्मेशन करेंगे, एंथ्रेजॉइट्स का फॉर्मेशन करेंगे, जबकि आर्किगोनिया जो है वो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, और यही गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फ्यूजन फ्यूज्ड होकर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू किसका फॉर्मेशन करेंगे, जायगोट बनेंगे, जो कि आगे चलकर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को निर्मित करेंगे। अर्थात जो गैमेटोफिटिक अवस्था है वह आंशिक या पूरी तरह से किस पर डिपेंड है, स्पोरोफिटिक साइकिल पर डिपेंड है। ठीक है, अब देखिए इसमें स्पोरोफिटिक अवस्था और गैमेटोफिटिक दोनों अवस्था पाई जाती है, अर्थात इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो उपस्थित होती है। ठीक है, क्या उपस्थित है, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उपस्थित है।